हेलो एवरीवन, आज मैं एक स्वीट डिश बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है शाही स्टफ्ड ब्रेड रोल। इसको मैंने ब्रेड का यूज़ करके बनाया है। यह बहुत आसान तरीके से बनने वाली स्वीट डिश है। इसको आप अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी या किसी भी तरह की पार्टी में सर्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस स्वीट डिश को बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। 5 या 6 ब्रेड स्लाइस, 1/2 लीटर दूध, 100 ग्राम खोया, देसी घी, पिसी हुई शक्कर, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, केसर और कंडेंस मिल्क। अब दूध को कढ़ाई में गर्म करने के लिए रख देंगे। दूध को लगातार हिलाते हुए गाढ़ा होने तक गर्म करना है। लगातार इसलिए हिलाना है जिससे उसमें मलाई नहीं पड़े। अब ये दूध गाढ़ा हो चुका है। इसमें 50 ml कंडेंस मिल्क मिला देंगे और 5 मिनट के लिए गाढ़ा होने के लिए रख देंगे। यह तैयार हो गया है। अब इसमें इलायची पाउडर और केसर, जो मैंने पहले से गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था, डालकर मिला देंगे। अब एक बर्तन में पलट लेंगे और फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद यह इस तरह का हो जाएगा। मिल्क सॉस बनकर रेडी है। अब एक बर्तन में 100 ग्राम खोया, 2 चम्मच शक्कर, 12 कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम, किशमिश मिलाकर रखे हुए हैं, इलायची पाउडर, इन सबको डालकर अच्छे से मिक्स करना है। अब ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसको पानी से अच्छे से गीला करके प्रेस करके पानी निकाल देंगे। इसमें हमारा तैयार किया हुआ मिक्सचर रख देंगे और इसको अच्छे से दबाते हुए रोल कर लेंगे। ये रोल बन चुका है। इसी तरह से हम एक और रोल बनाएंगे। यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड का यूज़ किया है। आप चाहें तो वाइट ब्रेड का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर ब्रेड के किनारे हार्ड हैं तो उनको नाइफ से अलग करके निकाल दें।
जब हमारे सारे रोल रेडी हो जाएंगे, तब एक कढ़ाई में 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अब इसमें रोल्स को शैलो फ्राई होने के लिए रख देंगे। रोल्स एक तरफ से सिक जाएंगे, तब इसको पलटकर दूसरे तरफ से भी सेकना है। रोल्स का कलर एकदम परफेक्ट आया है, ये गोल्डन कलर के हो गए हैं। रोल्स अच्छे से सिक चुके हैं, इनको कढ़ाई में से निकाल लें। अब इनके प्रेजेंटेशन की तैयारी करते हैं। पहले हम मिल्क सॉस को नीचे बेस में डालेंगे। ऊपर से रोल्स रख देंगे। हमें जब ब्रेड रोल सर्व करना है, उससे 5 मिनट पहले रोल्स को सॉस में डालकर रखें, जिससे रोल्स अंदर सॉस को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ऊपर से भी सॉस अच्छे से डाल देंगे। ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। और थोड़ा सा केसर के पानी से डेकोरेट करेंगे। स्टफ्ड शाही ब्रेड रोल एकदम रेडी है।